बात समझो, सुनो ध्यान से, आवाज आ रही है? हाँ सुनो ध्यान से, अपन लोगों ने बेसिकली आईटीएफ के एंड पर पहुंच चुके हैं। अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइन होगा देख लिया, उसके बाद हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुलाकात कर ली, उसका रेंज डोमेन ग्राफ देख लिया, और आखिरी चीज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आ गए। टोटल 8 प्रॉपर्टी है जिनमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि शुरू की 5 बिल्कुल एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब हम इलस्ट्रेशन लेने के काबिल हो गए हैं। जो लास्ट की 3 प्रॉपर्टी है उन पर बेस भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको अपन एक एक करके कवर करेंगे। शुरू की 5 प्रॉपर्टी पर बेस अपन बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, और इन क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बात आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा, उन बातों को सीखेंगे समझेंगे ताकि बिल्कुल बात बन पाए। और आज इसी के साथ खुलेगा राज 2। इस चैप्टर के अंदर मैंने बताया था 3 राज हैं, और जिस दिन तीसरा राज खुलेगा चैप्टर क्लास। पहला राज तो ऑलरेडी खोल ही चुके हैं कि अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नन हो गया तो आईटीएफ ऑफ माइनस एक्स विल बी पाई माइनस आईटीएफ ऑफ एक्स। और दूसरा राज कहता है अगर कोई आईटीएफ अकेला मिल जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मिल जाए, बिल्कुल ध्यान सुने, दूसरा राज कहता है इफ एनी आईटीएफ इज अलोन अकेला और इनसाइड एनी टीएफ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, इफ एनी आईटीएफ इज अलोन और इनसाइड एनी टीएफ देन सिंपली एज्यूम इट टू बी सम एंगल थीटा एंड वी विल गेट 10th क्लास प्रॉब्लम। 10th क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, क्या आपको याद है 10th क्लास में कैसे लल्लू लल्लू प्रॉब्लम हुआ करती थी और जिनको देख के हम लोग हंसा करते थे? और उसी 10th क्लास के कारण हमारी धारणा बन गई थी कि ट्रिग्नोमेट्री एक लल्लू टॉपिक है। फिर 11th क्लास में आने के बाद लगता है भगवान क्या हो गया हमारे साथ। खैर, अगर कोई भी आईटीएफ अकेला मिल जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मिल जाए, चुपचाप उसको थीटा मान लें। जो बच्चा 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री समझ सकता है उससे ट्रिग्नोमेट्री फेज वन की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही सबसे बड़ा राज 2। अगर आईटीएफ अकेला मिल गया या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मिल गया, चुपचाप उसको आप एक एंगल थीटा मान लीजिए। आइए इस राज 2 पर बेस में बहुत सारे इलस्ट्रेशन लूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान देखें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईटी में आया था, क्वेश्चन कहता था शो दैट 10π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b प्लस 10π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/u। ये शो करना था, बिल्कुल ध्यान देखें, ये चीज शो करनी है। अब देखिए आईटीएफ आपको टीएफ के अंदर दिख रहा है, तो बिना किसी को बताए कॉस इनवर्स a/b को 2θ मान लेंगे। बच्चे बोलते गुरु जी वहां थीटा कह रहे हो या 2θ मान रहे हो, क्योंकि बेटा हाफ कॉस इनवर्स a/b है ना। अब θ/2 देखने में अच्छा नहीं लगेगा, सुंदरता तो हम सभी को प्यारी होती है, तो बेटर रहेगी 2θ रखें ताकि दिखेगा क्या π/4 प्लस थीटा, थोड़ा बेटर लुकिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 10π/4 प्लस थीटा प्लस 10π/4 माइनस थीटा। 10π/4 प्लस थीटा 1 प्लस 10θ 1 माइनस, भूल जाइए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा वजन नहीं है इसमें, यहां आ जाएगा 1 माइनस 10θ अपॉन 1 प्लस 10θ। एलसीएम ले लें 1 माइनस 10² θ 1 प्लस 10θ का होल स्क्वायर 1 माइनस 10θ का होल स्क्वायर। अंधा बच्चा चीख रहा है गुरु जी 1 प्लस 10² θ 1 माइनस 10² ओ भैया 1 माइनस 10² θ अपॉन 1 प्लस 10² θ फार्मूला कॉस 2θ। और आंखें क्या देख रही हैं आज कि कॉस 2θ और कुछ नहीं a/b है। देख लीजिए अपनी अपनी आंखों से, नेत्रों से, नयनों से, लोचनों से a/b, तो निकल के आ गया 2b/a।
समझ में आया क्वेश्चन? फिर मैं आईटीएफ अकेला मिल जाए या टीएफ के अंदर मिल जाए, चुपचाप आप उसको कोई ना कोई एंगल क्या मानेंगे, थीटा। जो मैं कह रहा हूं सुने, आईटीएफ अकेला मिल जाए या टीएफ के अंदर मिल जाए, आप चुपचाप उसको कोई ना कोई एंगल क्या मानेंगे, थीटा, और काम बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पर। एक बार आईटी वाले ने पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी थी, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू निकालनी। अरे एंगलों की कोई कमी है क्या, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, तो कुल मिला के मुझे वैल्यू निकालनी है टेन अल्फा प्लस बीटा। आपको यकीन नहीं होगा कि 95% ऑफ द जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन है उनमें 95% क्वेश्चन में सिवाय इस बात के और किसी बात का यूज ही नहीं होता, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसके बाद तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता ही नहीं है। ये देखो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। बोलो हाँ गुरु जी। भैया अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा कितना है 3/5, अगर ये बीटा है तो कॉट बीटा कितना है 3/2, कॉट बीटा तो टेन बीटा तो प्ले ग्रुप में सिखा देते हैं 2/3, साइन अल्फा बचपन का ट्रायंगल बना लीजिए 3/5/4, तो अंधा बच्चा चीख रहा है टेन अल्फा 3/4। मुझे बस कहना ही पड़ेगा पीवीएम पुट एंड गेट पार, पुट एंड गेट, इस शब्द का उच्चारण ढंग से करना है वरना अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता है। कॉपी कर ले। देखो जो पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 95% क्वेश्चन केवल इसी बात से हो जाते हैं जो मैंने आपको बताई है। भाई आईटीएफ आपको अकेला दिख जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिख जाए, आप चुपचाप उसको एंगल क्या मान लो, थीटा। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ टेन ऑफ हाफ कॉट इनवर्स 3। अब सुनिए ध्यान से, भाई हाफ है तो थीटा, हमारी ट्रिग्नोमेट्री तो वैसी बहुत स्ट्रांग होती है, तो बेटर है थीटा बाई टू मत सोचो, चुपचाप कॉट इनवर्स 3 को 2 थीटा मान लो। तो कुल मिला के सवाल देखो कितना घटिया हो गया। सवाल कहता है अगर कॉट 2 थीटा 3 है तो कुल मिला के आपको क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। टेन थीटा तो लिखा हुआ है, कुल मिला के यही सवाल बन गया, इनवर्स 3 की जरूरत ही नहीं है। कॉट 2 थीटा अगर 3 है बेटा तो टेन 2 थीटा 1/3 होगा, टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1/3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 6 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सबको एक और ले आए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 6 टेन थीटा माइनस 1/0। अंधा बच्चा भी फूटी आंखों से देख सकता है टेन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी ये हो जाएगा 36/40, तो फैक्टर काट देंगे, चार बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टर ही काट देंगे, तो नीचे का 2 तो पूरा कट जाएगा, तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट 10। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, माइनस 3 प्लस रूट 10 और दूसरा निकल के आ गया माइनस 3 माइनस रूट 10। अब कॉमन सेंस की जरूरत है, कॉट इनवर्स 3 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, कॉट इनवर्स पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो उसका आधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और टेन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही निकल के आएगा। क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए, ये आईटी में नहीं आया।